माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम बात करेंगे आंखों के काले गड्ढों के बारे में, जो कि हमारी खूबसूरती को घटा देते हैं, हमारी खूबसूरती को कम कर देते हैं। जब हमें हमारी एज होती है कि हम बहुत खूबसूरत दिखें, उसी टाइम पे हमारी आंखों के नीचे जो गहरे गहरे काले गड्ढे पड़ जाते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत शर्मिंदगी भी होती है। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे, उन्हें कैसे ठीक किया जाए, कैसे रिपेयर किया जाए, कैसे अपनी आंखों को वापस से वो एनर्जी दी जाए जो वो खो चुकी हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या करना है। हमें अपनी आंखों को ठीक करने के लिए एक नाइट क्रीम बनानी होती है। नाइट क्रीम हम कैसे बनाएंगे, अब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हमें एलोवेरा जेल चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़ है विटामिन ई कैप्सूल। तीसरी चीज़, कोई भी आपके पास, कोई भी जो भी आप सीरम लगाते हो, सीरम अपने फेस पे लगाते हो, वो पहले एक कटोरी ले लें। हमें इतनी सी एलोवेरा जेल चाहिए। ठीक है, आप इस नाइट क्रीम को संभाल के भी रख सकते हो, आपको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक डिब्बी चाहिए, डिब्बी में उसे रख लें और फिर रोज़ाना उसे इस्तेमाल करें, हफ्ते भर बाद दोबारा बना लें। ठीक है, अब चाहिए हमें विटामिन ई कैप्सूल, जिसमें हमें एक पूरा कैप्सूल डाल देंगे। अब बारी आती है तीसरी चीज़ की, कोई भी सीरम, 2 ड्रॉप मैंने इसमें डाली है। जब आप इसे संभाल के रखें किसी डिब्बी में, तो अच्छी क्वांटिटी में बनाएं, जो हफ्ते भर आपके चले, बार बार आपको बनानी ना पड़े। अब हम इस क्रीम को मिक्स करेंगे अच्छे से। हमारी तीनों चीज़ इसमें डल चुकी हैं, अब हम इसे मिक्स करेंगे जब तक ये वाइट ना हो जाए। देखिए कितनी जल्दी वाइट होने लगी है। हमारी नाइट क्रीम बनके तैयार है। ठीक है, अब हमें इसी फिंगर पे ऐसे लप्पी करना है। लप्पी ये हो चुकी है, काफ़ी स्पून से इसे मिक्स किया है। ओके, आपको अगर संभाल के रखनी है, एक हफ्ते के लिए बनाए, रोज़ रोज़ नहीं बना पाते हैं, तो आप बना के रख सकते हैं, फ्रिज में स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसे लगाने का हम प्रोसेस देख लेते हैं। अब इसे अपनी फिंगर पे ऐसे लें। ठीक है, कवर कर लें अपनी आंखों के नीचे के हिस्से को। मैं आपको नीचे के हिस्से पे करके दिखा रही हूँ, आपको आंखों के ऊपर भी लगाना है, पर नीचे के हिस्से ज़्यादा दिखता है, ज़्यादा अजीब लगता है। ऊपर की हम पलके ऊपर को करते हैं तो वो बंद हो जाती हैं। ठीक है, पर नीचे का हिस्सा पूरा दिखता है। ठीक है, हमें ऐसे करके इस पर लगा लेना है। ठीक है, ये हमें अच्छे से कवर कर लिया है, लेयर बना लो अच्छे से। ठीक है, क्रीम को बनाने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, अच्छे से बनाएं, अच्छे से लगाएं, लेयर अच्छी मोटी होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब बात आती है, अगर हम मोटी लेयर लगाते हैं तो रात में ये सोते समय छूट जाएगा, तो हमें उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमें एक टिश्यू पेपर लेना है इस तरह का। ठीक है, इसमें से इस तरह की पर्ची टाइप जो भी है कागज, इस तरीके से हमें काट लेना है, जो हमारी आंखों के नीचे आराम से आ जाए। 2 पेपर काट लेने हैं। ठीक है, और इसको एक तरफ से ऐसे लगाना है, ये यहाँ पे चिपक जाएगा। ठीक है, कहीं नहीं जाएगा। ओके, ये आपकी आईज के पास आराम से टिक गया है। पूरी रात आराम से आप लगाए भी रखेंगे, आपको अजीब भी नहीं लगेगा कि ये आंखों के नीचे क्या लगाया हुआ है, या कोई हम कॉटन लगा लेते हैं तो मोटा मोटा लगता है, ये आपकी आंखों के यहाँ पे ही सूख जाएगा। ठीक है, रात भर लगाए रखिए इसको। ठीक है, ये स्किन के साथ दिख चुका है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब ये लगा लिया। अब सुबह को हम उठेंगे, सुबह को इसको हटाएंगे और फेस वॉश से मुंह धो देंगे। ठीक है, फेस वॉश से मुंह रोज़ाना धोएं, अपनी क्लीन रखें स्किन को, हमारी स्किन अच्छी रहती है, साफ़ रहती है, पिंपल होने का डर कम रहता है और ओपन पोर्स भी नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखें अपनी स्किन का और खुश रहें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।
बाय, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।